अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अब सभी लोग अपने दोनों पैरों को आगे करते हुए स्ट्रेच करेंगे और फिर यथाशक्ति दोनों हाथों को ऊपर करते हुए सांस भरते हुए नीचे आएंगे। अपने माथे को घुटने से लगाते हुए सांस खाली करते हुए। क्या है पता है, कल रात रॉकी की पार्टी में कौन आया था? कौन? यस, सलमान खान। रहने देना, बाद में बात करते हैं, मैडम चिल्लाएंगी। ये क्या हो रहा है वहाँ पे? योगा खत्म कर लो, फिर उसके बाद जी भर के बातें करना। वो सॉरी मैम। अब हम दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखते हुए और बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, आपके पास तीन अलग अलग रूम्स हैं? सॉरी मैडम, हमारे पास एक ही रूम खाली है। एक ही रूम खाली है? अब क्या करें, सारे होटल पैक्ड हैं। ठीक है, कोई बात नहीं मैम। आप प्लीज ये बताइए कि जो रूम है वो सिंगल बेड है या डबल बेड? डबल बेड। सिंगल हो या डबल, आई वॉन्ट सेपरेट रूम। आंचल, उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है। आई डोंट केयर यार, मैं एक में एडजस्ट नहीं कर सकती। आंचल समझा करो, जिद मत करो। इसमें जिद करने की क्या बात है, हम कोई और होटल देख सकते हैं। चलो। क्या हुआ? वी आर वेरी वेरी सॉरी आंचल, मेरे ख्याल से हम यहाँ पर मुंबई में अपना वेकेशन स्पेंड करने आए हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं होटल ढूंढ ढूंढ कर अपना समय बर्बाद करूँ। और वैसे भी मैं और दीपेनिता तो एक रूम में एडजस्ट कर लेंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। एग्जैक्टली मैडम जी, 17 नंबर रूम दे दो ना। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें मालूम है ना रूम नंबर 17 में क्या हुआ था? आप लोग कुछ रूम नंबर 17 के बारे में बात कर रहे थे, वो रूम खाली है क्या? अरे मैडम जी, एकदम खाली है। तुम चुप रहो। सॉरी मैडम, रूम नंबर 17 खाली तो है मगर हम वो किसी को देते नहीं है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है वहाँ? एसी काम नहीं करता या फैन काम नहीं करता? नहीं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे रूम नंबर 17 दे दीजिए एंड आई प्रॉमिस यू मेरी तरफ से आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। प्लीज रूम नंबर 17 की चाबी दीजिए। ओके, आप पहले कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए। करती हूँ। और ये रूम नंबर 17 की चाबी। थैंक यू मैडम जी, लगेज उठा लो। आप प्लीज संभालिए अपने आप को। अच्छा, आप बता सकती हैं यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? वो हम सब यहाँ योगा कर रहे थे और अचानक मेरे हाथ में कुछ आकर गिरा। जैसे ही मैंने देखा तो वो कटा हुआ हाथ मेरे हाथ में था। समझ में नहीं आ रहा ये हाथ आया कहाँ से होगा, ना इस पर कोई ऐसी चीज है जिससे पता चले कि हाथ है किसका। फेरी सर, डिस्टर्ब मत कर। सर क्या है? सर मैं आपको कब से देख रहा हूँ सर, आप अपना हाथ आसमान की तरफ रखकर देख क्या रहे हो सर? मैं ये देख रहा हूँ कि हवा किधर से आ रही है। सर हवा का रुख किस तरफ है ये पता लगा कि आपको क्या मिलने वाला है सर? अरे कॉमन सेंस है विवेक, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये कटा हुआ हाथ किधर से आया है। आपका ये मतलब है कि कटा हुआ हाथ हवा के साथ उड़कर यहाँ पे आया है? वेरी गुड विवेक, तुम तरक्की कर रहे हो। सर मगर ये हाथ तो काफी भारी है सर, हवा के झोंके से यहाँ पे कैसे आएगा सर? अरे तो तुम ही बताओ ना, ये कटा हुआ हाथ आया कहाँ से? ऐसे पहली बार देखा है कि कटा हुआ हाथ आसमान से नीचे गिरता है। ज्यादातर केसेस में सर ये हाथ जमीन में कटा हुआ होता है। कहीं कोई पंछी तो अपने साथ नहीं लेकर आया? यू मीन सर हॉक्स? ईगल या वर्चर, इन्हीं में से कोई ये कटा हुआ हाथ अपने साथ यहाँ लेकर आया होगा और शायद गलती से लड़की की गोद में गिर गया।
पंछियों को देखो, एक ही जगह मंडरा रहे हैं। सर हो सकता है ये हाथ ये वहीं से आया हो? हाँ वहीं चलकर देखते हैं। ये पंछी इसी एरिया के ऊपर मंडरा रहे हैं, जरूर इसी एरिया में कुछ होना चाहिए। दे सर तुम इस तरफ जाओ, मैं और अभिजीत इस तरफ जाते हैं। सर सर अभिजीत तुम्हें कुछ बदबू आ रही है? हाँ सर ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कोई बॉडी सड़ रही है। अभिजीत ये बदबू किसी जानवर के बॉडी की नहीं, किसी इंसान के बॉडी की है। अभिजीत लगता है बदबू इस तरफ से आ रही है। सर हाँ? ये आपके कोट पे देखिए, ये कीड़ा। कीड़ा मेरे कोट पे? ये कीड़ा तो सड़े हुए बॉडी में पैदा होता है, तो मेरे जैकेट पर कहां से आया? माय गॉड सर, ऊपर लाश है, आपका ये कीड़ा यहां से आया है। अभिजीत जल्दी से ऊपर चढ़ो और लाश को नीचे उतारो। सर संभल के अभिजीत। हाँ अभिजीत जरा संभाल के। सर समझ में नहीं आ रहा है कोई पेड़ के ऊपर बॉडी क्यों रखेगा? वही तो। जीत, ये लाश काफी पुरानी लगती है। हाँ सर। सर, वो हाथ इस बॉडी का नहीं है, इसके तो दोनों हाथ सही सलामत है। हाँ तो इसका मतलब है वो हाथ किसी और बॉडी का है। सर कहां से बुला रहे? सर उस तरफ से। सर दया, दया सर, सर यहां ऊपर झाड़ पे। अरे एक और लाश। सर ये लाश किसी औरत की लगती है, इसका लेफ्ट हैंड गायब है। तो इसका मतलब है जो हाथ हमें मिला है वो इस लड़की का है। दया उस तरफ हमें एक और लाश मिली है पेड़ पे। दो दो लाशें इस जंगल में? हाँ दया, लगता है इन दोनों लड़कियों का खून हुआ है, वरना ये लाशें ऐसे पेड़ों पे क्यों लटकी हुई है? हमें इस जंगल को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। मैं तुम्हें एक और जोक सुनाता हूँ। बस बस बहुत हो गया, अब ये कॉमेडी शो यही समाप्त होता है। मैं उसकी जरा मदद कर लेता हूँ। नहीं नहीं रुको, मत जाओ। अरे कहीं हेल्प करने के चक्कर में लेने के देने ना पड़ जाए। चलो जिन पेड़ों पे लाशें थी उनके आसपास की मिट्टी लाने के लिए कहा था, तूने तो पूरी जमीन खोद के ला ली। फ्रेडरिक्स, सलंकी तुम्हारी दाई आंख फड़फड़ा रही है, मतलब खतरे का अंदेशा है। ऐसे भी साहब मेरी दाई आंख तब फड़फड़ाती है जब मैं किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड होता। अच्छा तो फिर इस एक्साइटमेंट में अपने इस दोस्त को शामिल नहीं करोगे? जरूर करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। इसी साहब इन दोनों लड़कियों को किसी एक ही आदमी ने मारा है और ये दोनों बॉडीज काफी पुरानी है, क्योंकि इन दोनों बॉडीज में से मुझे ये ब्लू बॉटल फ्लाइज मिली। ये देख,
ब्लू बॉटल फ्लाइज? जी हाँ, अब इन दोनों लड़कियों की मरने की एग्जैक्ट डेट मुझे इन ब्लू बॉटल फ्लाइज से पूछनी पड़ेगी। गुड, तो फिर हम इन लड़कियों को ट्रेस कर सकते हैं। राइट, एक मिनट सर। हाँ, मट्टी में से ये मिला है सर। प्लास्टिक का टुकड़ा सर, इसकी ये एज देखी, इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये किसी चीज से टूट के गिरा है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि ये प्लास्टिक का टुकड़ा उस पेड़ के पास पहुंचा कैसे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आंचल फोन क्यों नहीं उठा रही है, इतना एटीट्यूड। छोड़ ना, जल्दी चल वरना ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा। आंचल, दरवाजा खोल। आंचल दरवाजा खोल यार, इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है। आंचल, पता नहीं क्या बात है, कहीं सो तो नहीं गई? नीचे रिसेप्शनिस्ट भी कह रही थी कि इस रूम में कुछ गड़बड़ है, कहीं आंचल को कुछ होने गया हो। प्लीज भावना, ऐसा मत बोलो। आंचल, क्या हुआ? आंचल, हमारी फ्रेंड अंदर है और दरवाजा नहीं खोल रही है। आंचल, जिसकी कल रात तुम हेल्प करना चाह रहे थे। ओह माय गॉड, रुको मैं जल्दी से मैनेजर को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? आंचल, दरवाजा खोलो। रिलैक्स। क्या हुआ? हमारी दोस्त अंदर है, दरवाजा नहीं खोल रही है। जिस बात का डर था वही हुआ। साइड में। आचल, ओह माय गॉड, आचल रूम में नहीं है, कहाँ जा सकती है? पता नहीं। भावना, तुमने उसके मोबाइल पर फोन किया? हाँ, मैंने उसे फोन किया था मगर वो फोन नहीं उठा रही है, शायद वो बाथरूम में हो सकती है। हाँ, अंजलि यहाँ पे भी नहीं है। ये दोनों लड़कियों के स्कल एकदम साफ करवा दी। ये पहली वाली लड़की की स्कल है, ये देखो, ये जोड़ देख रहे हो? ये देखो, ये जोड़ कितना साफ और कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है इस लड़की की उम्र 20-25 से ज्यादा नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, और 23-24 से कम भी नहीं हो सकती। ये देखो, मैंने इस लड़की के दांतों का एक्सरे निकाला है, ये देखो, पूरे के पूरे दांत निकल चुके हैं। पूरे के पूरे तो लगते हैं, पूरे 32 लगते हैं। हाँ, पूरे 32, मतलब लड़की बालिग थी। मगर इसकी मौत हुई कैसे? ओ हाँ, एक आओ, ये डेंट देख रहे हो? लगता है किसी चीज से जोर से मारा है, बेचारी की फौरन मौत हो गई। ये देखो, ये दूसरी लड़की, इसकी मौत भी वैसे ही हुई है। मारा किस चीज से? कोई आयरन रॉड। हाँ, ये देखो, ये मैंने दूसरी लड़की के दांतों का एक्सरे भी निकाला है, ये देखो, इस लड़की की उम्र से कम होगी, इसके पूरे दांत नहीं निकले। देखो, हेलो, ओ कहां पे? होटल कासा। तो भावना जी, आपका कहना है कि आंचल कल रात रूम नंबर 17 में घुसी और फिर गायब हो गई, है ना? जी हाँ सर, ऐसा ही है। हो सकता है वो आपको बिना बताए यहाँ से चली गई हो। लेकिन आंचल ऐसा क्यों करेगी सर? सर, मेरे स्टाफ में से किसी ने भी आंचल को होटल छोड़ते हुए नहीं देखा है। तो इसका मतलब है कि आंचल इस वक्त होटल में ही होनी चाहिए, है ना? सर, मेरे स्टाफ ने पूरा होटल चेक कर लिया, वो यहाँ पे नहीं है। आपके स्टाफ ने आंचल को होटल से बाहर जाते हुए नहीं देखा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आंचल होटल से बाहर निकली नहीं होगी। ये भी तो हो सकता है कि जब आंचल होटल से बाहर निकली तब आपका स्टाफ मौजूद ही ना हो। सर, हमें पूरा यकीन है कि आंचल अपने रूम नंबर 17 से बाहर निकली ही नहीं, वो अपने कमरे में ही थी। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? वो इसीलिए सर, क्योंकि हमारे कॉरिडोर्स में क्लोज सर्किट कैमरास लगे हुए हैं, 24 आवर्स रिकॉर्डिंग होती है सर। रिकॉर्डिंग चेक किया? जी हाँ सर, उसी से हमें मालूम पड़ा है कि आंचल अपने रूम में से बाहर निकली ही नहीं, वो अपने रूम नंबर 17 में ही थी। मगर आप लोगों ने ये रिकॉर्डिंग डायरेक्टली चेक क्यों किया?
वो सर इसलिए क्योंकि आंचल से पहले भी दो लड़कियां गायब हो चुकी हैं रूम नंबर 17 में से। क्या? पहले भी हो चुका? जी सर, रूम नंबर 17 में से आंचल से पहले भी दो लड़कियां गायब हो चुकी हैं। रूम नंबर 17 में पहले भी? तुमने पुलिस में इन्फॉर्म किया था? सर वो कुछ छुपा रहे हो तुम? सर सर नहीं, एक्चुअली बात ये थी सर, जब वो दोनों गुम हुई थी तब उस वक्त उन्होंने हमारा बिल नहीं पे किया था, तो हमें लगा कि उन्होंने हमें चीट किया है और भाग गए, तो इसलिए हम लोगों ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई। सर आंचल उन दो लड़कियों जैसी नहीं थी, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। ये हम डिसाइड करेंगे क्या है क्या नहीं है, समझे? अब सिर्फ इतना बताइए, आंचल अपने कमरे में कितने बजे आई थी? सर वो हमारे होटल के बाहर एक रेस्टोरेंट है, उस दिन हम उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, खाना खा के हम अपने रूम में आने वाले थे कि आंचल ने कहा कि वो थोड़ी देर बाद आएगी, बस हम उसे छोड़कर अपने अपने रूम में आ गए। जब तुम दोनों निकल रही थी तो आंचल का मूड कैसा था? वो नॉर्मल थी सर। नॉर्मल थी? अच्छा अच्छा, तुम दोनों तो उसकी दोस्त हो है ना, तो उसकी आदतों से वाकिफ होंगी, तो ये बताओ क्या आंचल को कोई एडिक्शन था? यू मीन ड्रग्स? नहीं सर, आंचल ड्रग्स नहीं लेती थी। सर सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कहिए। सर हम दोनों रूम नंबर 19 में रहते हैं, कल रात जब हम वापस जा रहे थे तो मैंने देखा कि आंचल चाबी को की होल में डालने की कोशिश कर रही थी। और सर एक्चुअली उसको देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि उसने बहुत पी रखी होगी। आंचल ने बहुत पी रखी थी? अभिजीत हमें यहाँ के क्लोज सर्किट कैमरा का सारा रिकॉर्डिंग चेक करना होगा। सर सर देखा आपने आंचल की हालत कैसी थी? यहाँ देखकर तो लगता है कि आंचल नशे में है। ये देखिए सर, 1:15 पर यह आंचल कमरे में घुसी। जरा सर्च में फॉरवर्ड करो। सर इस फुटेज को देखकर लगता है कि रूम नंबर 17 के आसपास कोई गया ही नहीं था, कॉरिडोर तो सर पूरी रात खाली था। ये कैसे हो सकता है, कोई भी नहीं। सर वो तो हम आंचल को बुलाने गए थे मगर अंदर से कोई जवाब ही नहीं मिला। सर जब हमने दरवाजा खोला तो रूम में कोई नहीं था और आंचल गायब थी। आंचल गायब थी? सर्च में रिवाइंड करो। एक मिनट दे, स्टॉप। इसमें टाइम देखो कितना, 10:05 बराबर है। अब प्ले करो। ये क्या? 2 मिनट, 10:05 से लेकर डायरेक्ट 10:07, इसका मतलब बीच के 2 मिनट गायब है। क्यों मैनेजर साहब? सर ये टेक्निकल ग्लिच होगा और कुछ नहीं सर। अच्छा आपने कहा और हमने मान लिया। सर टेप को निकालो और अच्छी तरह से चेक करो। सर
सर इस टेप को इस पॉइंट पे टैम्पर किया गया सर, ये देखिए। क्यों मैनेजर साहब, अब बोलो, इस टेप को तुम में से ही किसी ने टैम्पर किया है, समझे? किसने? कौन बैठता है यहाँ कंट्रोल कैबिन में? सर सुरेश बैठता है। तो तुम कहाँ थे जब ये सब हुआ? सर मैं यही था कंट्रोल रूम में। तो फिर इस टेप को टैम्पर किसने किया? सर बोलो। तो शायद उस टाइम मैं बाथरूम में गया था। बाथरूम में गए थे, यही वक्त मिला तुम्हें जाने का? सर इस टेप का कटा हुआ हिस्सा इसी होटल में होना चाहिए। दया वो टुकड़ा अब तक डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया होगा। अब सीधे होटल के रूम नंबर 17 में चलो। इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो, देखो यहां से कोई बाहर जाने का और रास्ता है क्या, कोई सीक्रेट एग्जिट, अच्छी तरह से चेक करो। अरे सर, सर आप इस बेड के नीचे क्या ढूंढ रहे हैं सर? ये एक सीक्रेट है। सर मुझे भी बताएं ना आपका सीक्रेट प्लीज। चलो तुम्हें बता ही देता हूं। मेरा इंट्यूशन कहता है कि इस बेड के नीचे एक सीक्रेट एग्जिट है। एक सीक्रेट एग्जिट इस बेड के नीचे? हाँ, और अगर मेरा तीर सही निशाने पे लगा तो एसीपी साहब मुझसे खुश होकर मुझे प्रमोशन देंगे। समगर इतने सालों तक तो आपको प्रमोशन नहीं मिली तो फिर? यार वो अंदर की बात है, तू प्रमोशन छोड़ो, इस बेड पर कंसंट्रेशन कर। चलो ठीक है सर, इस बेड को हटाकर देखते देखते कि आपका तीर निशाने पे लगा है या नहीं। उठाओ। कई भैंस पानी में। नहीं सर, ऐसा लगता तो नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरे एग्जिट है। अभिजीत इस खिड़की के बाहर लेज है, अगर आंचल ने इस लेज पर से उतरने की भी कोशिश की होती तो वो नीचे गिर जाती। समझ में नहीं आ रहा। सर आते हैं। स्टरर, ऐसा ही प्लास्टिक का टुकड़ा हमें जंगल में पेड़ के पास मिला था। इसका मतलब है जो उन दो लड़कियों की लाशें हमें जंगल में पेड़ के ऊपर लटकी हुई मिली, वो दोनों लड़कियां इस होटल से जुड़ी हुई हैं। सर इस मैनेजर ने बताया था रूम नंबर 17 से आंचल से पहले दो लड़कियां गायब हुई हैं, तो वो दोनों बॉडीज कहीं नहीं दोनों लड़कियों की तो नहीं? मैनेजर से मिलते हैं। आप लोग हमें बताए बिना कहीं मत जाना। जी। इन दोनों लड़कियों का सामान है आपके पास? मेरा मतलब है उनके कपड़े चीजें वगैरह। जी हाँ, हमने संभाल कर रखा हुआ है, ये सोचकर जब वो वापस आएंगे हम उन्हें दे देंगे। गुड, वो सारा सामान हमें दे दो। जी सर। देखते हैं ये सामान उन दो लड़कियों का है जिनकी लाशें हमें जंगल में पेड़ पर लटकी हुई मिली है। 110, 111, 112, 113। डॉक्टर साहब। हुँ? ये फेड्रिक्स कर क्या रहा है? कॉम्बे लगे हुए बाल गिन रहा है। मगर इससे हमें क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। देखो क्या हुआ, फ्रेडरिक्स ने मुझसे कहा डॉक्टर साहब मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैंने उसे इस काम पे लगा दिया। अच्छा है, लैब में थोड़ी शांति रहेगी। सर हम उस मिसिंग फुटेज के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। हाँ ये बात तो है। तब सब वो लैब से रिपोर्ट आई क्या?
नहीं, लैब से रिपोर्ट तो नहीं आई। मगर सर ये रिपोर्ट आएगी कब? दया तुम इतने इंपेशेंट क्यों हो रहे हो? देखो मैंने दोनों लड़कियों के बालों का सैंपल और बोन के फ्रैगमेंट सेंट्रल लैब भेज दिए हैं, रिपोर्ट आती होगी। सर अगर ये दोनों लड़कियां वही हुई जो होटल से गायब हुई थी तो फिर क्या होगा? फिर तो ये पूरा केस पलट जाएगा। फिर ये केस रूम नंबर 17 मर्डर केस की जगह सीरियल मर्डर केस का हो जाएगा। सर डीएनए रिपोर्ट का फैक्स आ गया है सर। अभिजीत ये सीरियल मर्डर केस है। माय गॉड, इसका मतलब ये लड़कियां वही हैं जो रूम नंबर 17 से गायब हुई हैं। इस रूम नंबर 17 से दो लड़कियां गायब हुई और इन दोनों लड़कियों की लाशें हमें जंगल में मिली। और सर आंचल भी इसी रूम से गायब हुई है। सर ये खूनी किसी तरह से इस होटल से जुड़ा हुआ है सर, या तो ये गेस्ट है या फिर होटल स्टाफ में से कोई हो सकता है। और खूनी सिर्फ इसी रूम की लड़कियों को टारगेट कर रहा है सर। हाँ, ये सारे खून इस रूम नंबर 17 में रहने वाले लड़कियों के हुए। लगता है ये कोई सीरियल किलर है। सर, हाँ सर ये देखिए कब्ज़े से मिला है। अरे ये तो आंचल के कपड़े हैं, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? खून। सर इसका मतलब है आंचल को इसी रूम में इंजर्ड किया। ये क्या है? सर ये तो मैंने जंगल में देखे थे सर, जहां से हमें वो दो लाशें मिली थी। तो इसका मतलब है आंचल जंगल में। जल्दी से लैडर लेकर। ये हो क्या रहा है? तीसरी बॉडी? इसे भी दूसरे दो बॉडी की तरह पेड़ पे लटकाया। सर इस खूनी का मोडस ऑपरेंडी देख के ऐसा लगता है इसका दिमाग खराब है। खूनी ने जानबूझकर सारी बॉडीज को पेड़ पर लटकाया ताकि किसी की आसानी से नजर न पड़े। विवेक संभाल के। सर इसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया है जैसे बाकी दोनों लड़कियों को मारा गया था। सर, सर इसने किसी आदमी के कपड़े पहने हुए हैं। इसने आदमी के कपड़े पहने हैं। सर, आंचल 1:15 को गई होटल के अंदर सलवार कमीज पहनकर, और फिर शायद वहां से कमरे में से उसे कोई निकाल कर यहाँ ले आया और उसे जेंट्स के कपड़े पहना दिए। लेकिन खूनी ने आंचल को आदमी के कपड़े पहनाए क्यों? आंचल की मौत होटल के रूम में नहीं हुई थी, यहाँ बेड के ऊपर हुई।
इस पेड़ पर? हाँ सर, यहाँ पेड़ के ऊपर बहुत सारा खून पड़ा है। मतलब आंचल को होटल के कमरे से निकाल कर यहाँ पे ला के मारा गया। मगर सर, जब हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी थी तो उसमें आंचल कमरे के अंदर जाते हुए दिखी, बाहर आते हुए नहीं दिखी। अभिजीत, अगर हम ये पता लगा लें कि खूनी ने आंचल को आदमी के कपड़े क्यों पहनाए तो शायद हम खूनी तक पहुंच सकते हैं। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठो, कम बैठो यहाँ पर। आई बी बैक। हाँ, मुझे एक रूम दीजिए जल्दी। सॉरी सर, एक भी रूम खाली नहीं है हमारे पास। देखिए, मैं अभी अभी दिल्ली फ्लाइट से आ रहा हूँ और मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप कुछ करिए प्लीज। एक रूम है जो दे सकता हूँ, मगर मगर क्या? उस रूम में कुछ दिन पहले कुछ हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पे सीआईडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरी वाइफ को आराम की सख्त जरूरत है। आप मुझे वो रूम दे दीजिए प्लीज। ठीक है, अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो बेलबॉय, रूम नंबर 17 में ले जाओ, अमेनिटीज देख लेंगे। थैंक यू सो मच। कम कम, हो गया। I'll be back. Bellboy, यहाँ पे होटल के आसपास अच्छा डॉक्टर कहाँ पर मिलेगा? जी, आपको डॉक्टर महेश मिल जाएंगे जी। उनका एड्रेस है? हाँ जी, अभी देता हूँ। ये 10वां रोड प्लॉट नंबर 15 जी, ये है एड्रेस। थैंक यू सो मच। मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को यहां बुलाना होगा। रौनक, इज इट यू? डॉक्टर मिला क्या? रौनक, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? डॉक्टर है क्या तुम्हारे साथ में? रौनक, तुम जानते हो मैं उठ नहीं सकती हूँ। अभी इस सवाल का कोई जवाब भी नहीं दे रही हूँ। क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोलो, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो ना रौनक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से चले जाओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। देखो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मैं कह रही हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हमारी हेल्प में तुम मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? आवाज नीची कर, समझी? आवाज नीची कर, बिल्कुल नीची।
कहा था ना, मैंने कहा था ना रूम नंबर 17 अवेलेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर खून हुआ है पर तुम मानती नहीं हो। नहीं बुक तो। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास 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 नहीं करता मैं, बिल्कुल बकवास नहीं करता, सच सुना रहा हूँ सच। इस रूम नंबर 17 में जो भी लड़की आती है ना बचकर नहीं जाती, नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। मतलब है तुम मुझे सही सही अंजलि, अंजलि, मीनाक्षी, आचल और अब तुम मेरी, ओ, मैं तो भूल गया कि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि अंजलि कौन है। अंजलि, अंजलि मेरा पहला पहला प्यार है, मेरा सबसे पहला पहला प्यार। हाँ बेबी हाँ, प्यार है प्यार, मेरा पहला पहला प्यार है। अंजलि है ना रूम नंबर 17 की सबसे पहली पहली गेस्ट है, सबसे पहली पहली गेस्ट। मैं ना उससे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। मैंने उसे प्यार का इजहार किया, पता है फिर क्या हुआ? उसने मुझसे ना नहीं कहा, ना नहीं कहा, ना बोलती तो मैं बर्दाश्त कर सकता था। हंसी हंसी मेरे ऊपर, हंसी हंसी मेरे ऊपर, क्यों हंसी, क्यों हंसी? मैं तो बुरा हूँ क्या? नहीं हूँ ना। और उस दिन के बाद जो भी रूम नंबर 17 में आती है उसमें मुझे अंजलि दिखाई देती है, मुझे अंजलि लगती है, अंजलि लगती है। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट तुम भी मुझे अंजलि लगती। अब मैं तुम्हें अपनी प्यारी सी अंजलि के पास भेजूंगा। ऑन द टॉप बेबी अंजलि। आर यू ओके? ये सब तुमने तो हमारा काम एकदम आसान कर दिया, खुद ब खुद बयान दे दिया। हाँ ओह तो ये सब प्लान था। हाँ हमें पहले ही पता चल गया था कि खूनी होटल के स्टाफ में से कोई है। शक तो हमें तभी हो गया था जब क्लोज सर्किट कैमरा के रिकॉर्डिंग को किसी ने टैम्पर किया था। अच्छा तुमने आचल को होटल से बाहर यहाँ जंगल में लाकर मारा, फिर अपने कपड़े उसे पहना दिए और उसके कपड़े पहनकर आचल बनकर होटल में घुसे, क्यों? राइट राइट। कैसा लगा मेरा प्लान? अच्छा है ना? अच्छा है ना? अच्छा नहीं था। पहले तुम मेंटल हॉस्पिटल जाओगे, फिर जेल, और उसके बाद तुम कोई भी प्लान बनाने लायक नहीं रहोगे, समझे?